अस्सलाम एवरीबॉडी, मैं हूँ हिना अल्ताफ और आज हम सुबह ही सुबह जा रहे हैं कोलगेट के इवेंट पे। तो कोलगेट के इवेंट पे क्या होने वाला है, क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं, हम क्या क्या देखने वाले हैं, वो आज सब आपसे शेयर करेंगे। सो आई एम ऑन माई वे एंड लेट्स सी के व्हाट डू वी हैव टुडे। जिस जगह पे हम आए हैं कोलगेट का इवेंट, और कोलगेट को लाख से ऊपर एंट्रीज आई और लाख से ऊपर स्कूल स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एंट्रीज भेजी हैं अपनी, जिनमें से 1000 से 2000 बच्चों का आर्टवर्क आज डिस्प्ले किया जा रहा है, जो ग्लोबल विनर्स को एक कैश प्राइज भी मिलेगा। सो मैं जाके ज़रूर देखना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका आर्टवर्क कैसा है, उनके जहनों में क्या है, उन्होंने अपने हाथों से, कलर से, पेंसिल से, जो भी आपके पास चीज़ें होती हैं उनके थ्रू उन्होंने क्या डिस्प्ले किया, उन्होंने अपने दिल और दिमाग के थ्रू क्या डिस्प्ले किया। बस मुझे याद है बींग ए स्टूडेंट, जब मैं अपने स्कूल में थी मैंने भी इस तरह से एक पार्टिसिपेट किया था एक कॉम्पिटिशन में। सो वी विल सी के हमारे पास अंदर जाके क्या क्या मौजूद है। और आर्ट गैलरी में आ गई हूँ, ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट विच इज़ ऑल ऑर्गेनाइज बाई कोलगेट। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी बिकॉज अंदर बच्चों के इतने क्यूट आर्ट वर्क्स यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं। आई रियली वांट टू सी कि क्या क्या बच्चों ने बनाया है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, लेट्स गो। आई एम रियली एक्साइटेड। पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान से बच्चों ने अपनी एंट्रीज भेजी हैं, और उसके अलावा लाख से ऊपर एंट्रीज कोलगेट को आई हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट जो है वो जीता है ये कॉन्टेस्ट एंड ही इज़ जस्ट 7 years old। जो कि जितने भी बच्चों का आर्ट वर्क है जो कि यहाँ से सेलेक्ट हुआ था, 1000 बच्चों के यहाँ से आर्ट वर्क सेलेक्ट हुआ था, वो न्यूयॉर्क गया और वहाँ पर जाके अयान ने जो है इस कॉन्टेस्ट को विन किया है एंड ही इज़ जस्ट 7 years old। सो मैं अयान का आर्ट वर्क भी यहाँ पर ज़रूर देखना चाहूँगी एंड आई रियली वॉन्ट टू सी कि जितना यहाँ पे आर्ट वर्क यहाँ पे लगा हुआ है आप प्लीज़ देखें, बच्चों ने जो कलर्स यूज़ किए हैं, उन्होंने जो अपना जहन यूज़ किया है एंड जो इनका थीम है जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, वो जस्ट कोलगेट के इर्द गिर्द, हेल्थ के इर्द गिर्द, दांतों की सफाई के इर्द गिर्द उनको अपना पूरा थीम बनाना था। सो आई थिंक दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, स्पेशली द कलर जो बच्चों ने यहाँ पर यूज़ किए। अच्छा, यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने पूरा मेंशन किया है हाउ टू अप्लाई कोलगेट। अच्छा, जो यहाँ पर एक और बड़ी मज़े की एक्टिविटी हुई है वो ये हो रही है कि यहाँ एक डॉक्टर आई हुई है और वो बच्चों के दांतों को चेक कर रही हैं कि बच्चों को कौन सा वाला कोलगेट यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों की छोटी सी एक्टिविटी भी हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि आप सब। आज मैं सीखने वाली हूँ कि ब्रशिंग टेक्निक क्या है इन दांतों की। मैं जो जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहिबा से, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोलगेट वालों की तरफ से आज जो पूरी कैंपेन हो रही है, इधर ये सिखाया भी जा रहा है बच्चों को कि व्हाट इज़ द प्रॉपर टेक्निक ऑफ ब्रशिंग योर टीथ, तो मैं जरूर सीखना चाहूँगी कि क्या है प्रॉपर टेक्निक टीथ ब्रश करने की। एक तो सबसे सॉफ्ट ब्रश आपने यूज़ करना है। अच्छा, हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना ही, उससे जो है वो इनेमल लेयर जो होती है वो ख़राब हो जाती है। मैं तो करती हार्ड ब्रश से, मुझे लगता है कि मेरे दांत साफ नहीं हो। बहुत सारे लोगों की गंदगी होती है, वो समझते हैं कि हम बहुत ज़ोर ज़ोर से दांत घिसेंगे तो साफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट ब्रश आपने यूज़ करना है और बहुत जेंटली सर्कुलर मोशन में करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करना, इससे जो है ना गम्स जो है वो ऊपर हो जाते हैं, रिसीट हो जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग गलत टेक्निक करते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, बहुत आराम से आपने सर्कुलर मोशन में करना है। ठीक है,
अंदर से भी सर्कुलर मोशन में करने की कोशिश करनी है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. और फिर यहाँ पर ऐसे. अच्छा डॉक्टर साहिबा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो कोलगेट हैं यहाँ पर इस वक्त जो मौजूद है, राइट? एक सेंसिटिव है और एक और भी है. कैविटी, मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन. उन दोनों के बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं कि वो दोनों कौन से टूथपेस्ट हैं और दोनों की क्या कैविटी प्रोटेक्शन जो है वो जिन बच्चों में कैविटीज लगी हुई हैं उनके लिए. ठीक है भैया. और सेंसिटिव कोलगेट जो है वो जिन बच्चों को सेंसिटिविटी फील होती है उनके लिए. तो सेंसिटिविटी फील क्यों होती है? क्योंकि बच्चे गलत खाना खाते हैं या हम गलत खाना खाते हैं इसलिए, या ये जनरल एक चीज़ हो जाए? नहीं, जिनमें ज़्यादा गम्स डिजीज़ वगैरह होती हैं उनके जो इनेमिक लेयर होती है वो ख़राब हो जाती है, फिर वो डेंटिन तक पहुँच जाता है. ठीक है. तो डेंटिन में जब पहुँच जाता है फिर सेंसिटिविटी हो. अच्छा, यूजुअली हम सोचते हैं कि डेंटिस्ट को हमेशा साल में दो दफ़ा एटलीस्ट आप अपना डेंटिस्ट विजिट करना चाहिए. सो बच्चों के लिए भी ये है कि बच्चों को भी साल में दो दफ़ा डेंटिस्ट के पास आना चाहिए? अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि शायद बच्चों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, हमें ज़्यादा ज़रूरत है. बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे नहीं है ज़रूरत दबाने की. बट एनीवे, थैंक यू सो मच डॉक्टर, यू कैन कैरी ऑन विद योर वर्क. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, मुझे अपना गिफ्ट हैंपर नहीं मिलेगा? ये मुझे मेरा गिफ्ट हैंपर कोलगेट वालों की तरफ से मिल चुका है. थैंक यू सो मच. अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे चल के जो विनर बच्चे हैं उनका भी आर्ट वर्क देखते हैं. लेट्स सी कि बच्चों ने क्या बनाया. मज़ीद एक्टिविटीज़ अरेंज हुई हुई हैं और मैं चाहूँगी कि ज़रूर देखा जाए. इट्स नॉट जस्ट दिस आर्ट गैलरी जहाँ पर बच्चों का काम डिस्प्ले हो रहा हो, बल्कि यहाँ फेस पेंटिंग हो रही है, फिर यहाँ पे बच्चों को वीडियो सिखाई जा रही है फॉर ओरल हाइजीन. यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्टर भी चल रहा है ताकि बच्चों को ओरल हाइजीन की वीडियो सिखाई जा सके. और फिर फेस पेंटिंग भी हो रही है यहाँ पर. फेस पेंटिंग स्टार्ट हो गई. स्टार्ट हो गई. Alright, so मेरे क्रेयॉन्स मेरे पास आ चुके हैं, मेरा बैग मेरे पास आ चुका है, इसमें बच्चों के साथ ही बैठूंगी. एंड आई एम गोना कलर माय होल बैग एंड देखते हैं कि मेरा जो बैग है किस तरह से कलरिंग करता है. ऐसा लग रहा है कि सब अलग अलग इंसान है जबकि एक ही कैरेक्टर है. अच्छा, यहाँ से जो आर्ट वर्क शुरू हो रहा है 2007 के विनर हैं, ये भी 2007 के विनर, ये 2008 के विनर. तो आप सोच सकते हैं कि कोलगेट ने इनिशिएटिव जो लिया है बच्चों को लेकर आगे आने के लिए, उनका आर्ट वर्क डिस्प्ले करने के लिए, उसके लिए कितने साल से एक कैंपेन जा रही है और कितने साल से काम कर रहे हैं. 2012 2013, एंड अगर हम ज़रा आगे आते हैं तो 2015 और फिर उसके साथ 2016 और फिर 2017. तो ये जो कैंपेन है काफ़ी वक्त से चली आ रही है. आई एम सो प्राउड कि कोलगेट को इस साल लाख से ऊपर एंट्रीज आई है पूरे पाकिस्तान से, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. ओ आई वांट यू गाइस सी दैट. हज़ार से ऊपर स्कूल्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया है कोलगेट हाई ब्राइट स्काई ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट. So I think that is absolutely amazing. So मुझे इस साल के जो विनर हैं आयान, मुझे आयान का ज़रूर देखना मैं चाहूँगी कि आर्ट वर्क उन्होंने क्या डिस्प्ले किया, बिकॉज ही इज़ द विनर एंड आई रियली वॉन्ट टू सी दैट. सो लेट्स सी. अच्छा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या आर्ट वर्क डिस्प्ले हुआ है. Thank you.
अगर मैं देखूँ तो इसका जो एज ग्रुप था इट वॉज फ्रॉम 5 to 11. लेकिन अगर देखा जाए बच्चों का आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, द कलर्स दे हैव चोजन, स्पेशली जिस फिनिशिंग के साथ बच्चों ने आर्ट को क्रिएट किया है, एब्सोल्युटली फिनोमिनल. आप नहीं कह सकते कि किसी छोटे बच्चे का आर्ट वर्क है. गेस करें मैंने यहाँ आते ही क्या किया होगा. आई वॉज फाइंडिंग माई स्कूल के, शायद मेरे स्कूल से किसी ने तो एंट्री भेजी होगी, बट मुझे फाल्कन हाउस यहाँ नहीं दिख रहा है, बट इट्स ओके. ज़्यादातर जो एंट्रीज आई हैं वो एस एम एस आहा खान स्कूल से आई हैं, महापारसी स्कूल, बहरिया कॉलेज. ओ माई गॉड, ये जो जितने भी नाम इस वक्त आप देख रहे हैं जो सारी डिस्प्ले पर हैं, दीज आर टॉप 100 किड्स जिनका जो आर्ट वर्क वो सिलेक्ट हुआ था. एंड दिस इज़ द विनिंग सेक्शन जहाँ पर जो विनर बच्चे हैं उनका सारा आर्ट वर्क डिस्प्ले हुआ है. Choice of generation. The educator school is the horse. Best love. मैं आई हुई थी कोलगेट के ग्लोबल इवेंट पे. दिस वाज द आर्ट वर्क डिस्प्लेड एंड यहाँ पर इस वक्त जो आप पूरा देख सकते हैं, हज़ार से ऊपर बच्चों ने अपनी एंट्रीज भिजवाई थी, लाख से ऊपर बच्चों ने एंट्रीज भिजवाई थी, जिसमें से 1000-2000 बच्चों की एंट्रीज यहाँ पर चूज़ हुई, डिस्प्ले हुई. और फिर उससे आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कैश प्राइज भी जीता कोलगेट की तरफ से. और कोलगेट ये कैंपेन बहुत सालों से लेता हुआ चलता हुआ आ रहा है, 2006, 2007, 2008, और अब जो है इस साल 2019 में आयान जो है ही वॉज द विनर ऑफ दिस कैंपेन. टुडे आई एम सो हैप्पी कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में हेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कोलगेट में बढ़ चढ़ कर साथ ले रहे हैं, बिकॉज यूजली हम टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को फ़ोन से बाहर आते हुए नहीं देख पा रहे होते, आईपैड से बाहर आते हुए नहीं देख पा रहे होते. सो आई एम रियली हैप्पी कि आई केम एंड आई सॉ ऑल ऑफ दिस, बिकॉज मेरी सारी स्कूल की मेमोरीज याद मुझे फिर से आ गई कि मैंने किस तरह से कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था, मेरा आर्ट वर्क डिस्प्ले हुआ था, मैं वो आर्ट वर्क देखने के लिए भी गई थी अपनी टीचर के साथ. सो इट्स एब्सोल्युटली नॉस्टैल्जिक एंड आई थिंक द आर्ट वर्क वाज लवली, द कलर्स वर लवली, बच्चों ने जिन जहन के साथ ये सब कुछ बनाया है, एब्सोल्युटली फिनोमिनल. आई वुड थैंक कोलगेट फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन एंड डूइंग दिस ऑल फॉर ऑल द किड्स इन स्कूल्स. और मुझे कोलगेट की टीम की तरफ से ये बेहतरीन क्यूट पिक्चर मिली है जो कि मेरे लिए याद रहेगी. एंड आई कीप दिस इन माय रूम, आई कीप दिस इन माय हाउस एज अ मेमोरी. सो थैंक यू सो मच कोलगेट एंड आई हैव अ ब्राइट स्माइल. और अब हम जाएंगे अपनी ड्रामा शूट पे और जाके देखेंगे कि वहाँ पर आज ड्रामा शूट पे मेरे लिए क्या क्या रखा हुआ है. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई होप कि आप सबको आज की कोलगेट की कैंपेन लगी हो बहुत ज़्यादा अच्छी. रखिएगा बहुत बहुत ख्याल. अल्लाह हाफ़िज़.